हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू फॉर शोइंग योर एक्सेलेंट रिस्पॉन्स जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, एंड आगे भी ऐसे ही दिखाते रहिएगा। एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वर्क एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स टू। सो लेट्स बिगिन विद 14 जनवरी का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू GS1 का टॉपिक, ठीक है, इंडियन कल्चर। तो अभी इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट फेस्टिवल, आज मकर संक्रांति थी, कल लोहड़ी थी, ठीक है। तो हार्वेस्ट सीजन चल रहा है एंड नॉर्थ टू साउथ में विभिन्न भिन्न भिन्न तरीके की फेस्टिवल्स मनाई जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मकर संक्रांति जो कि आज है, ठीक है। मकर संक्रांति कर्नाटका में मनाई जाती है, व्हेन द सन एंटर द मकर ज़ोडियक, ठीक है। तो क्या होता है, क्या सर्दियों में क्या होता है कि जो मकर ज़ोडियक का क्या मतलब है, सर्दियों में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। बहुत देर में जाके वो होता है, सनराइज होता है। एंड गर्मियों में दिन बड़े एंड रातें छोटी। तो क्या होता है, क्या माना जाता है कि जब सन एंटर करता है मकर ज़ोडियक में, उसके उस दिन के बाद जो दिन है वो बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है। जैसे मतलब कि गर्मियों का आने का संकेत है बेसिकली। तो ये मकर संक्रांति कर्नाटका में इस तरीके में मनाई जाती है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। मगर बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में एंड नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में। इसमें क्या होता है, जो भी वो हार्वेस्ट का पहला प्रोडक्ट होता है वो अपने गॉड्स को देते हैं एज अ ऑफरिंग, एंड पीस और प्रोस्पेरिटी की वो कामना करते हैं। बिहू डांस होता है इस तरीके का, एंड वो ढोल बजा बजा के डांस करते हैं आपस में कम्युनिटी में। देन इज अबाउट उत्तरायण। उत्तरायण क्या होता है गुजरात में, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ये है फेस्टिवल। इसमें क्या होता है कि काइट फेस्टिवल होता है उत्तरायण में, एंड ये राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, इस तरीके में। मतलब पूरा आसमान ऐसे आपको दिखेगा कि काइट से भरा हुआ है। इस तरीके का फेस्टिवल मनाया जाता है, मकर संक्रांति को इस रूप में मनाया जाता है, पतंग उड़ा के। और फिर है मघी। मघी किसमें होता है, पंजाब में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई जल्दी उठ के नहा लो, ठीक है, ये माना जाता है। बादिंग इन द अर्ली आवर्स इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द मघी फेस्टिवल। एंड साजी क्या है, एस फॉर साजी, साजी कहाँ होते हैं, शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या होता है कि जो सजी है, एक पहाड़ी वर्ड है, संक्रांति को ही सजी कहते हैं क्योंकि वो एक पहाड़ी वर्ड है, सजी, उसको, उसका मतलब संक्रांति है। इसके उसको क्या बोलते हैं कि भाई नए मंथ की स्टार्टिंग हो गई, एंड नया मंथ कौन सा है, माघ, माघ का मंथ है, माघ या फिर माह मंथ बोल लो, ठीक है। माह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, तिथि जिनको बोलते हैं कि भाई अच्छा सेक्रेट मंथ चालू हो गया है, सेक्रेट डेट्स आएंगे, तो उस मंथ के आने की वो कामना करते हैं एंड वो प्रे करते हैं इस चीज़ को लेके। देन इज अबाउट खिचेरी। खिचेरी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें भी रिचुअल बाथिंग करते हैं, जल्दी उठ के नहा लो भाई। देन आउटसाइड इंडिया को भी मकर संक्रांति को बांग्लादेश में मनाया जाता है, वहाँ पे भी पतंग उड़ा के मनाया जाता है, इसको फेस्टिवल का नाम है शकरेन। एंड मघी संक्रांति कहाँ है, ये नेपाली फेस्टिवल है, ठीक है, वही हिंदू सोलर नेपाली कैलेंडर। इसमें भी जो मंथ, फर्स्ट ऑफ माघ मंथ की स्टार्टिंग है, तो इसी के रूप में इसको मनाया जाता है। तो कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति कर्नाटका, पोंगल तमिलनाडु में, मघा बिहू कहाँ, असम में एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तरायण कहाँ, गुजरात में, मघी पंजाब में, सजी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, किचेरी कहाँ, उत्तर प्रदेश में, शकरेन कहाँ, बांग्लादेश में, मघी संक्रांति इन नेपाल। देन इज अबाउट वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज। तो क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक सर्वे कंडक्ट किया एंड डेटा रिलीज किया। तो इसमें हमारी 3 इंडियन सिटीज हैं टॉप 10 में, उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। दिस इज़ नॉट वेरी गुड थिंग, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। तो ये सिटीज़ को रैंक किया कैसे है, मतलब कि भाई कितना टोटल परसेंटेज चेंज है 2015 और 2020 में आपका, ठीक है। तो कंपेयर किससे करें, 2001 से, तो ठीक है सेंसस से ही बताएंगे ना, ठीक है। पहले हमारा सेंसस कब हुआ, 2001 में, अब कब हुआ, 2011 में। तो यूएन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन का डाटा तो इन्होंने यूज़ किया है, तो उसमें हमारा भी सेंसस का लिखा हुआ था, पर हमारा सेंसस तो 2011 में कंडक्ट होता है। तो इसने कैसे कंपेयर किया है 2001 को 2011 से, एंड उसमें उसने 2015 और 2020 को प्रिडिक्ट किया है। तो इकोनॉमिस्ट ने लिस्ट किया है कि भाई किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशंस। अब अर्बन एग्लोमरेशंस क्या होती है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस अर्बन स्प्रेड, ठीक है, मतलब कि एक टाउन है, ठीक है, वो अर्बन टाउन है, वो तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, एंड जो भी उसकी एडजोनिंग आउटग्रोथ हैं वो उसमें टाउन में आके मिल रही है, इसकी वजह से वो टाउन एक्सपैंड कर रहा है, मतलब आसपास का एरिया मिल रहा है टाउन में आके, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सपैंड कर रहा है। एंड वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने बोला है कि ये जो अर्बन एग्लोमरेशन है ये एक्सपेक्ट ये इंक्रीज ही करेंगे बिटवीन 2015 एंड 2020। तो ये मैंने पिक्चर इंसर्ट की है, तो मल्लापुरम, कोझीकोड एंड कोल्लम, ठीक है, ये टॉप 10 में हैं। तो तीनों ही केरला की हैं। सो दिस इज अ वंडरिंग फैक्ट, क्योंकि जो बिहार उत्तर प्रदेश है उनका कहीं भी नाम नहीं है इस चीज में।
तो मलप्पुरम, कोझीकोड एंड कोल्लम, ठीक है, ये तीनों केरला से हैं एंड ठीक है, तो ये सिटीज़ ने अपना टॉप 10 में नाम दर्ज करवाया गया है इन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़, तो इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की। तो ये थोड़ा अनयूजुअल है, क्यों? क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, जब नीति आयोग ने डेटा रिलीज़ किया है 2016 में, तो वहाँ केरला का टोटल फर्टिलिटी रेट ही बहुत कम है। फर्टिलिटी रेट मीन्स कि एक वुमेन को मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगी कब तक बच्चा होएगा, एंड जो चाइल्ड बियरिंग एज कौन सी होती है वुमेन की, 15 to 49 ईयर्स, इस एज में बच्चा कितना पैदा कर सकती है, तो फर्टिलिटी रेट होता है कितनी वुमेन फर्टाइल है, तो वो बहुत ही कम था, मतलब नेशनल एवरेज से भी कम था। तो फिर कैसे हो सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज, तो इसमें ये पता लगा कि रैपिड अर्बनाइजेशन इज द कॉज। तो मलप्पुरम वॉज रैंक नंबर 1, ठीक है, तो 44.1% चेंज आया है, ठीक है, इन द 2001 एंड 2011, ठीक है, कोझीकोड में 34.5% एंड कोल्लम में 31.1%। तो इतना ये मतलब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कितना चेंज आया है, पर वजह इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रो इतना फास्ट क्यों कर रही है? सबसे पहला कॉज है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू एरियाज इन द अर्बन एग्लोमरेशन लिमिट्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन तो हो ही रही है एंड जो आसपास का एरिया है वो इस अर्बन एग्लोमरेशन में ऐड हुआ जा रहा है, इस वजह से ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो सेंसस क्या बोलता है, ठीक है, आगे दो टर्म्स आएंगी, सेंसस टाउन एंड स्टैट्यूटरी टाउन, तो वो देख लेते हैं क्या होता है। सेंसस ने डिफाइन किया है एक दो तरीके की, अर्बन एरिया को दो तरीके में क्लासिफाई करते हैं, सेंसस टाउन एंड स्टैट्यूटरी टाउन। तो स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है, इज एनी प्लेस जिसके पास एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनिसिपल काउंसिल हो या दोनों हो या एक या कोई एक कैंट एरिया हो, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल या एक कैंट एरिया हो। एंड सेंसस टाउन इज अ विलेज विद अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विलेज है पर उसमें अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है एंड वहाँ के लोग इतना एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है, विद मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर। तो विलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई वहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है पर वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पर यहाँ पे इसमें सेंसस टाउन में नहीं होते, इसीलिए इसको विलेज विद द अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। तो ये देख लेते हैं जो सिटीज़ का नाम आया है उनमें क्या वजह थी एंड कैसे एक्सपैंड हुई। 2001 में जो मलप्पुरम था उसमें क्या था, 2001 में दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी इसके अर्बन एग्लोमरेशन में, पर 2011 आते आते इसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 4 हो गई एंड एडिशनल इसमें 37 सेंसस टाउन को ऐड कर दिया गया। तो आप खुद सोचो डबल हो गई, ऊपर से इतने सेंसस टाउन ऐड कर दिए तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी तो वो बननी ही बननी थी। देन पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन को भी इंक्रीज हुआ क्योंकि ऑब्वियसली इतनी टाउन्स ऐड कर दी है एंड ऊपर से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो 1,70,000 से 16,99,000 अप्रॉक्स 17 लाख हो गई, तो अप्रॉक्स 10 times वो चीज़ बढ़ी है। तो ये वाला केस था मलप्पुरम का। तो कोल्लम में भी सेम केस हुई, ठीक है, पहले 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी 2001 में, तो और अभी के हाल क्या है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक म्यूनिसिपल काउंसिल है एंड 23 सेंसस टाउन्स हैं कोल्लम में एंड इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज की है बाय 130%, जबकि ओरिजिनल स्टैट्यूटरी टाउन की पॉपुलेशन तो डिक्रीज करी गई है पर जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करी गई है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐड हुई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड काउंसिल एंड सेंसस टाउन भी ऐड हुए हैं एंड ऊपर से अर्बनाइजेशन हुई है, ठीक है, इस वजह से बढ़ी है इसकी पॉपुलेशन। तो अर्बन एग्लोमरेशन को सेंसस ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है अगर कभी पूछ लिया जाए एंड हमारे यहाँ डिसीनियल सेंसस कराया जाता है, पहले 2001 में डेटा रिलीज हुआ, फिर 2011 में एंड फिर 2021 में अब रिलीज होगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला सेंसस कब कंडक्ट हुआ था इंडिया में एंड कौन से गवर्नर जनरल के अंडर किया गया था एंड अभी यहाँ पे कौन करवाता है, इट रेस्ट विद ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, कौन करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी अमित शाह जी कराने वाले हैं डिसीनियल सेंसस। सो दिस वॉज अबाउट कि भाई वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ कौन सी हैं। तो कौन रिलीज़ करता है डेटा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। डेटा कहाँ से लिया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, उसके पास हम सब की सारी जो कंट्रीज़ हैं उनका डेटा होता है एंड हमारी तीन जो कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, वो तीनों ही केरला में है जिसको पाया गया है एंड जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट कम था फिर भी केरला ने ज़्यादा बड़ा स्थान हासिल किया है देन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो वजह क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू एरियाज इन द अर्बन एग्लोमरेशन। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन में डिफरेंस एंड वजह क्या थी वो देख चुके हैं एंड सेंसस ऑफ इंडिया में इसको डिफाइन किया गया अर्बन एग्लोमरेशन को एंड सेंसस कौन कंडक्ट कराते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन अबाउट GS2 का टॉपिक है, व्हाट इज कमीशनरेट सिस्टम। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया गया है कि भाई कैपिटल जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ एंड नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। तो कमिश्नरी सिस्टम होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा जो, ठीक है,
इट इज़ द हेड ऑफ द यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, पुलिस कमिश्नर, वो हेड करेगा पुलिस को. ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स इन द सिटी एंड इज़ अकाउंटेबल टू स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट पता करेगी कि भाई क्यों पुलिस ने, मतलब मान लो अभी AMU में घुस गए, ठीक है, क्यों किया ऐसा, तो स्टेट गवर्नमेंट को जवाब कौन देगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम. तो इस द ऑफिस ऑल्सो हैज, ठीक है, जो कमिश्नरेट सिस्टम में हेड होगा उसमें उसके पास क्या होगी, मैजिस्ट्रियल पावर्स भी होंगी. मैजिस्ट्रियल पावर्स का मतलब क्या, इट हेल्ड, दे हेल्ड बोथ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर. ठीक है, जुडिशरी पावर भी होंगी एंड एग्जीक्यूटिव पावर भी होंगी इन द स्फीयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस विल बी रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग एज वेल. तो कमिश्नरिंग सिस्टम में क्या होएगा, जो सबसे टॉप हेड करेगा वो कौन करेगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल. ठीक है, DIG विल बी द DIG रैंक से या उससे ऊपर, ठीक है, वो इसको हेड करेंगे. ठीक है, जो भी इसको हेड करेंगे, ठीक है, DIG रैंक से ऊपर वाला इसको हेड करेगा एंड उसको उनको असिस्ट कौन करेंगे, स्पेशल जॉइंट या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर. डिप्टी कमिश्नर उसको हेड करेंगे, उसको उनको असिस्ट करेंगे. DIG से ऊपर जो भी रैंक का बंदा कमिश्नरेट सिस्टम को हेड करेगा, दे विल बी असिस्टेड बाय डिप्टी कमिश्नर्स एंड 9 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको असिस्ट करेंगे. तो 3 लेवल में ये होएगा एंड इट इज़ सपोज टू अलाउ फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, जो अर्बन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ताकि इनको फास्टर डिसीजन मेकिंग हो, ताकि क्योंकि जितना हम कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है, तो उतनी जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग हो सकेगी. एंड हाउ कैन इम्प्लीमेंट दिस. ठीक है, अंडर सेवन शेड्यूल के में क्या आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है, उसमें पावर्स डिवाइड कर रखी है. तो पुलिस किस में आता है, स्टेट लिस्ट के अंडर आता है. मीनिंग क्या है कि भाई इंडिविजुअल स्टेट टिपिकली लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस सब्जेक्ट. ठीक है, तो पुलिस स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो पुलिस इसको मैनेज कर सकती है, स्टेट इसको मैनेज कर सकती है पुलिस सिस्टम को. तो अभी फिलहाल कहाँ है, सिर्फ 4 सिटीज़ है, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद एंड चेन्नई, यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ पड़ा है. एंड हाउएवर, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, तो स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में इसको लागू करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू किया है. देन 6th नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट ने भी इसको बोला था, जो 1983 में रिलीज हुई थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन सिटीज में लागू करना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन 500,000 से ज़्यादा है एंड जहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, मान लो किसी तरीके की इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी इसको लागू कर देना चाहिए. ठीक है, तो नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1983 ने बोला था कि 500,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन इन स्पेशल कंडीशन में इसको लागू कर देना चाहिए. एंड ओवर द ईयर्स में बहुत ज़्यादा सिटीज़ में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था. बाई जनवरी 2016 53 सिटीज़ हैड दिस सिस्टम. तो दिल्ली में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है एंड देन बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अभी लागू होएगा. सीपी में क्या होएगा, यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर होगा, मैजिस्ट्रियल पावर्स भी होंगी उनके पास, इंक्लूड दैट मींस एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. तो क्या होएगा, DIG रैंक या उससे ऊपर का बंदा हेड होगा इसका. असिस्ट कौन करेगा, स्पेशल डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एंड ही विल एंड दे विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय 9 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, फास्टर डिसीजन मेकिंग होएगा अर्बन सेंट्रिक इश्यूज का. पुलिस किस में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है एंड जो 6th नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट है उसने भी इसको सजेस्ट किया था. देन इज अबाउट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस. नाम से ही समझ में आता है, एक ऐसा डाटाबेस बनाएंगे कि भाई रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इंटीग्रेट एंड उसकी वजह पता कर पाएंगे. तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस था, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड डेवलप कौन, किसने किया है, IIT मद्रास ने. एंड इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करेगा. एंड प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 258 crores एंड सपोर्ट कौन कर रहा है इसको, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट में लागू होएगा, पहले 6 जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटलिटीज़ होती हैं कि भाई रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसी स्टेट्स में इनको लागू करेंगे. कौन सी स्टेट, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ लागू हो रहे हैं, पर कैसे काम करेगा वो इंपॉर्टेंट है. तो काम कैसे करेगा, रोड एक्सीडेंट डाटाबेस एक मोबाइल ऐप होगी. सबसे पहले मोबाइल ऐप है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, PCR ने बोला कि भाई फलानी फलानी जगह पे रोड एक्सीडेंट हुआ है, आप आ जाइए, वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे एंड वो वहाँ पे पहुँचेंगे. तो पुलिस वहाँ पे फोटो खींचेंगे एंड इस ऐप में डाल देंगे, ठीक है, फोटोज डालेंगे, वीडियोज डालेंगे, तो एक यूनिक ID जनरेट हो जाएगी इस इंसिडेंट की. तो फिर एक इंजीनियर होगा जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जिनका काम है रोड वगैरह बनाना, तो उसके पास एक मैसेज चला जाएगा कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, आप आइए. तो वो वहाँ पे विजिट करेगा एक्सीडेंट साइट को एंड एग्जामिन करेगा कि भाई क्या ऐसी दिक्कत हो गई, या तो मतलब अगर मान लो कि भाई स्पीड कर रखी थी किसी ने, जो व्हीकल है वो स्पीड कर रखा था, तो उसमें वो दिक्कत होगी तो बहुत अलग है, बट अगर रोड डिज़ाइन की वजह से दिक्कत आ रही है तो वो उसको मेंशन करेगा कि भाई रोड डिज़ाइन की वजह से दिक्कत थी.
एंड डाटा दस कलेक्टेड विल बी एनालाइज बाय IIT मद्रास की जो टीम है वो इसको एनालाइज करेगी, फिर वो एक मतलब डाटा बेस तैयार करेगी कि भाई रोड डिज़ाइन की वजह से कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, स्पीड की वजह से कितने इंसिडेंट्स हुए हैं एंड नेग्लिजेंस की वजह से कितने हुए हैं, एंड फिर करेक्टिव मेजर्स उसको ले सकेंगे एंड रोड यूजर्स विल ऑल्सो बी एबल टू अपलोड डाटा. ठीक है, मतलब आम जनता भी कर सकेगी, सिर्फ ये नहीं कि पुलिस ही कर पाएगी. एंड एक मोबाइल ऐप होएगा जिसमें रोड नॉर्मल रोड यूजर्स, ठीक है, मान लो आपने एक्सीडेंट होता देखा तो आप भी जाके उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. तो सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट क्या होएगा कि भाई एनालाइज कर सकेंगे क्यों इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंड फिर हम सेफ्टी इंटरवेंशन पता कर सकेंगे एंड लोगों में उसको प्रोपेगेट कर सकेंगे. क्योंकि अन नीड क्यों पड़ी इसकी, इंडिया सीज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोड फैटलिटीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, अभी जो 2018 का गवर्नमेंट डेटा है उसमें बोला मोर देन 1 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन रोड क्रैशेस. ठीक है, तो ये तो इतनी तो लाइफ लॉस्ट हो रही है एंड आप खुद सोचो कि कितनी ऐसी इंजरीज हो जाती है जिसकी वजह से टांग काटनी पड़ती है, आँख काटनी पड़ती है, परमानेंट ही आप डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं. सो दैट कॉजेज अ परमानेंट गिल्ट कि मैं ऐसा क्यों किया उस टाइम पे. तो ये बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा एंड लोगों में एक जागरूकता फैलाएगा. सो दिस वॉज अबाउट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस कौन IIT मद्रास ने डेवलप किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इंप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, एंड प्रोसेस समझा दिया है मैंने आपको इसका. देन इज अबाउट 8 वंडर्स ऑफ SCO. ठीक है, तो SCO क्या, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसको 8th वंडर में इंक्लूड किया गया है. तो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता ही होगा, बट देख लेते हैं. 182 मीटर इसकी हाइट है. ठीक है, तो इट इज़ द मतलब टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि जो चाइनीज स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा था, ठीक है, जो एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है चाइना में, वो उससे भी ये 23 मीटर टॉल है. एंड जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है US में, उससे वो 93 मीटर टॉल है, उससे तो ये पूरा डबल ही है. तो कहाँ पे लोकेटेड है, साधु बेट आइलैंड, ठीक है, नियर राजपीपला इन द नर्मदा रिवर. बेसिकली पूछ ले तो कोई साधु बेट आइलैंड नर्मदा रिवर पे है एंड लोकेटेड बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस. तो अब ये बता रखा है कि 8th वंडर ऑफ SCO है कौन कौन से. ठीक है, तो ये मैंने फोटोज डाल दिए ताकि आपको इजीली याद हो जाए. तो इंडिया का स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी इंक्लूड किया है. देन कजाकिस्तान का आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टेमगेली. ठीक है, तो कजाकिस्तान में इस तरीके की चीज़ होती है. तो ये पेट्रोलाइक स्ट्रक्चर है. तो इसमें क्या होता है, रॉक कार्विंग करके, जैसे हमारे यहाँ भीमबेटका में भी है, ठीक है, तो रॉक कार्व करके उसको मतलब ऐसे आकृतियाँ बनाई जाती हैं. तो ये आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप है कजाकिस्तान में. देन चाइना में क्या है, डैमिंग इंपीरियल स्पेस कॉम्प्लेक्स. इस तरीके की बहुत ज़्यादा चाइनीज इस फोटो मतलब मूवीज में भी देखा होगा, इस तरीके की झोपड़ियाँ सी, उसको डैमिंग इंपीरियल प्लेस कॉम्प्लेक्स है. किर्गिस्तान में लेक इसकिल इसिकुल, ठीक है, लेक इसिकुल यहाँ पे है किर्गिस्तान में, ये मैप लोकेशन है उसकी, यहाँ पे है. देन पाकिस्तान में ग्रेट मुगल हेरिटेज एट लाहौर. ठीक है, मुगल लाहौर फोर्ट है ये, तो जो ग्रेट मुगल हेरिटेज है लाहौर में उसको SCO ने दिया है. देन रशिया में द गोल्डन रिंग सिटीज, ठीक है, ये गोल्डन रिंग सिटीज है, बहुत सारी सिटीज हैं, इसको गोल्डन रिंग सिटीज बोला जाता है. इनके नेटवर्क को SCO में एक स्थान दिया गया है. देन तजाकिस्तान में प्लेस ऑफ नॉर्वस, ठीक है, ये इसकी फोटो है प्लेस ऑफ नॉर्वस की. एंड उज्बेकिस्तान में पोईकलॉन कॉम्प्लेक्स, दिस इज द पोईकलॉन कॉम्प्लेक्स, तो इसको दिया गया है दर्जा. तो SCO में टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, एंड 8 ही वंडर्स हैं. एक एक कंट्री का एक एक वंडर को उसमें शामिल किया गया है. तो इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी को उसमें जगह मिली है फिलहाल. तो SCO के बारे में देख लेते हैं. तो ये क्या है, एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट नेचर की है. इट्स क्रिएशन कब बनी थी, ये 2001 में इन शंघाई चाइना, ठीक है, बनाई किसने थी उस टाइम पे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ठीक है, तो इन्होंने ये बनाई थी एंड बाद में दो और कंट्रीज इंक्लूड हुई है इसमें. एंड सबसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, द SCO ऑर्गेनाइजेशन चार्टर को कब साइन किया गया था, इन June 2002 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003. क्रिएशन ऑर्गेनाइज अनाउंस कब की थी, 2001 में, पर कंप्लीटली ये बनी कब थी, 2003 में. तो इसके मेन गोल्स हैं क्या, सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस, ठीक है, अमंग द मेंबर स्टेट, क्योंकि पूरी है कहाँ इसमें, ठीक है, पूरा यूरेशियन के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं यूरेशियन के, तो इसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट आना चाहिए, क्योंकि भाई हम पड़ोसी हैं तो हम एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, इफेक्टिव कॉपरेशन हो, ठीक है. एंड इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, ठीक है, ये जो हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका काम ही इसी के लिए वो बनी होती है. एजुकेशनल स्फीयर में, एनर्जी ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ठीक है, मेकिंग जॉइंट एफर्ट इन मेंटेन एंड इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत हम सारे नेबर्स हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैशेज सकते हैं, तो एक पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी उस रीजन में इंश्योर हो, उसके लिए बनाई गई थी. एंड मूव टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स.
तो SEO की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन एंड चाइनीज. दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो बॉडीज कौन है SEO की? सबसे पहले हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ SEO की, ठीक है, हर साल मिलती है एंड अडॉप्ट करती है डिसीजन एंड गाइडलाइंस जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है. तो SEO हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, ये दूसरा टीयर है इसका. इट मीन्स मीट्स वन एन ईयर टू डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी एंड जो भी प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए हमारे इस साल के एंड ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल बजट कितना होना चाहिए, ठीक है. तो हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल तो बजट वगैरह को देखेगी एंड स्टेट काउंसिल एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसकी दो परमानेंट बॉडीज है एंड इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? बीजिंग में, ठीक है. एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स है जो ताशकंद में है. ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है, ठीक है. तो दो परमानेंट बॉडीज और कौन सी है? SEO सेक्रेटरीट जो कहाँ है? बीजिंग में. एंड रैट्स, ठीक है, रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद उज्बेकिस्तान. तो SEO जनरल सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर आर द अपॉइंटेड बाय काउंसिल, ठीक है. तो ये जो इसके परमानेंट बॉडीज हैं सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर ऑफ रैट्स, तो इसको कौन अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल अपॉइंट करता है 3 साल के लिए. तो करंटली इसमें 8 मेंबर्स हैं, ठीक है. कौन? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही इसकी ट्रिक बताई है. कौन सा? ट्रक इन पाकिस्तान. तो ट्रक टी फॉर तजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, यू फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक है, सी फॉर चाइना, के फॉर किर्गिस्तान एंड के फॉर कजाकिस्तान, इन मतलब इंडिया एंड देन पाकिस्तान. तो थैंक यू जिसने ये मेरे को ट्रिक बताई है. तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं वरना आपकी भी ट्रिक चलेगी. देन SEO में 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं. कौन से? अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान एंड मंगोलिया, ठीक है. ऑब्जर्वर स्टेट कौन सी होती हैं? कि भाई ऐसी कंट्री जो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है, उसके पास कोई राइट टू वोट नहीं है, ठीक है, एंड हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग. तो जो भी पॉलिसी बना रहे हो उसमें आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्वर स्टेट बोला जाता है. एंड बहुत टाइम तक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेट्स हो तो उसको वो आपको एक परमानेंट मेंबर बनाने का सोच सकते हैं. उससे नीचे लेवल पे कौन सी होती है? डायलॉग पार्टनर्स. तो इसके कितने हैं डायलॉग पार्टनर्स? अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका, ठीक है. तो ये वाले हैं इसके डायलॉग पार्टनर. तो डायलॉग पार्टनर क्या होता है? कि इंजॉय कंसल्टेटिव रिलेशनशिप, ठीक है. अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट का एरिया है तो उसमें आप उनको कंसल्ट कर सकते हो एंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन एनी कॉन्फ्रेंस, ठीक है. इनके इसमें केस में SEO कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप पार्ट ले सकते हो. तो दिस वॉज अबाउट डायलॉग पार्टनर्स एंड ऑब्जर्वर स्टेट्स. सो टू सम अप, क्या है भाई? अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको जगह दी गई है. 182 मीटर टॉल है, सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है इन द वर्ल्ड. कहाँ पे है? सद्दू बेस्ड आइलैंड एंड नर्मदा रिवर पे है, सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन्स के बीच में. तो ये वाली चीज़ें हैं जो 8 वंडर्स हैं वो आप देख चुके हो. देन SEO में एक 2003 में इसको बनाया गया था, ठीक है. मेन गोल क्या है? ये जो नॉर्मल हर किसी के होते हैं. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रशिया एंड चाइना. बॉडीज कौन सी है? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल पहली, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल दूसरी, दो परमानेंट बॉडीज है SEO सेक्रेटरीट एंड रैट्स, ठीक है. तो ये 4 इसकी स्ट्रक्चर्स हैं. एंड जो SEO सेक्रेटरी जनरल है एंड डायरेक्टर है जो रैट्स का, ये कौन अपॉइंट करता है? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल 3 साल की टर्म के लिए. एंड 8 मेंबर्स हैं. ट्रक इन पाकिस्तान से आप इसको याद कर सकते हैं. 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं एंड इसमें 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं. देन इज अबाउट हॉर्मस पीस इनिशिएटिव. हॉर्मस से अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और वो कहाँ पे है? ईरान में. तो हॉर्मस पीस इनिशिएटिव अभी इसकी मीटिंग हुई है एंड मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया? ओमान, चाइना, अफगानिस्तान, ओमान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, इन्होंने पार्ट लिया. तो हॉर्मस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस किसको बिलोंग करता है? ईरान को. तो इनिशिएटिव किसने लेड किया? ईरान ने. काम क्या था? कि स्टेबलाइज करना चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल सप्लाई यहाँ से होके जाती है. तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं. ये ईरान है, ठीक है, ये ओमान है, ये UAE है एंड यहाँ पे आती है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है. तो ये गल्फ ऑफ ओमान को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है एंड पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी कनेक्ट कर रही है. तो सारी देख लो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है, कतर हो गई, सऊदी अरेबिया हो गई, इराक है, तो यहाँ पे सारी इनकी ऑयल सप्लाई हो, बहुत सारी यहाँ से होके जाती है. सो दिस इज अ
इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट, एंड यहाँ पे इसको आप यहाँ पे अगर इसकी सप्लाई बंद कर दी तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस आ सकते हैं, एंड इसीलिए ये ईरान को बिलोंग करता है, एंड ईरान और यूएस की टेंशन को चलते हुए इसमें पीस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या है, वाटरवे है जो सेपरेट करता है ईरान और ओमान को, ठीक है, ईरान ओमान को सेपरेट कर रहा है, एंड गल्फ ऑफ ओमान को अरेबियन सी से लिंक कर रहा है। लेंथ कितनी है इसकी, 21 miles या 33 kilometers टोटल लेंथ है इसकी, एंड जो नैरोएस्ट पॉइंट पे इसकी लेंथ है कितनी, 33 kilometers, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, यहाँ पे बंद कर दिए तो ऑयल क्राइसिस आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि 2/3 ऑफ द ऑयल सप्लाई एंड हाफ ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडिया इम्पोर्ट्स कम थ्रू द स्ट्रेट, हमारी तो जो 2/3 है वो तो यहीं से आ रही है, एंड पूरे वर्ल्ड में भी यहाँ से बहुत सारी होके जाती होती है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, जो हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं उसकी कंट्रीज को सीरीज में लगाओ, ठीक है, कौन सी सऊदी से करते हैं, इराक से करते हैं, ईरान से करते हैं, तो कौन सी सीरीज में लगाओ, किससे हम कितना करते हैं। As much as 18 million barrels of oil pass through Strait of Hormuz every day. Figures important नहीं है, accounting for 1/3 of the global oil trade. ठीक है, इंडिया की तो 2/3 आती है यहाँ से, पर 1/3 of the global oil trade यहाँ से जाती है। तो इससे ये एक strategically important चौक पॉइंट है, तो इसकी पीस इनिशिएटिव को ईरान ने लीड किया है। देन इज अबाउट रायसेना डायलॉग, तो इसका 5th एडिशन कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में, तो बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज इन्होंने भी पार्ट लिया है। तो इस ईयर को डायलॉग इज टाइटल टू नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो रायसेना डायलॉग है क्या, ये एनुअली हर साल होता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट है, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डिजाइन किस लिए है, टू एक्सप्लोर प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एशिया इंटीग्रेशन एज वेल एज एशिया इंटीग्रेशन विद द लार्जर वर्ल्ड, ठीक है, एशियन कंट्रीज है उनको आपस में इंटीग्रेट करना, और फिर दूसरे जो लार्जर वर्ल्ड जो बच गया, ठीक है, उसके साथ भी उसको इंटीग्रेट करता है। एंड इट इज प्रिडिक्टेड ऑन इंडियाज वाइटल रोल इन इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, कि भाई इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन ओशियन रीजन में, एंड वहाँ पे एक स्टेबल एंड रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे बिल्ड कर सकता है इंडिया अलॉन्ग विद इट्स अदर पार्टनर्स। पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्या है, इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल मीटिंग इन्वॉल्विंग पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड, मतलब सिर्फ फॉरेन डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर्स की नहीं होगी, बट हर तरीके की लीडिंग मतलब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी मीडिया अकेडमी या फिर हर तरीके की मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड हर चीज़ में इसमें डिस्कशन होती है, तभी इसको एक डायलॉग का नाम दिया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कब पैदा हुआ था, पैदा तो नहीं मतलब कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में, इन द बिलीव दैट एशियन सेंचुरी दैट द वर्ल्ड वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज नॉट एन एक्सक्लूसिव जोग्राफिकल रीजन, ठीक है, तो फिर मतलब उसको बेसिकली एशिया को इंटीग्रेट करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रायसेना डायलॉग, 2016 में हुआ था, दिस इज इतना ही इंपॉर्टेंट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हर साल ऑर्गेनाइज करती है। देन इज अबाउट आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये आईडीए वॉज सेटअप इन 2017 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड, नाम से ही समझ में आता है। द मीटिंग ऑफ द एजेंसी कौन को कौन हेड करता है, यूनियन होम मिनिस्टर, एंड मेंबर्स कौन है इसकी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड सेक्रेटरी टू टूरिज्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उनकी सेक्रेटरी, एंड सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें क्या होएगा कि जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं विथ फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर द आइलैंडर्स, ठीक है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी जॉब्स प्रस्पेक्टिव को थ्रू टूरिज्म प्रमोशन, वहाँ पे टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए एंड उसके तहत जॉब कैसे क्रिएट की जाए, एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड, ठीक है, या फिर कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स मेड इन द आइलैंड, ठीक है, तो वो सब देखते हैं। एंड कौन से आइलैंड इंक्लूड किए गए हैं, 4 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड 5 आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, तो उसको सबको मिला के ये वाली चीज़ें करवाते हैं कि भाई कैसे टूरिज्म प्रमोट हुए एंड कैसे सी फूड एक्सपोर्ट हो सके, कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट का वो एक्सपोर्ट हुआ जा सके। तो इसीलिए आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है जिसको हेड कौन करता है, हमारे यूनियन मिनिस्टर। सो आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होंगी, एंड प्लीज़ डू आंसर जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।